उत्पत्ति निकालेंगे। उत्पत्ति एक, यहां लिखा है आदि में परमेश्वर ने, यहां पे आकाश नहीं, यहां स्वर्ग लिखा, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की और दो का एक भी पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने यूं स्वर्ग और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था सातवें दिन सप्ताह सातवें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे कामों से सातवें दिन विश्राम किया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी। आज आप पृथ्वी को देखते हैं, आप पहाड़ समंदर चीजें आप सब कुछ देखते हैं, इसी तरह सेम परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया। समझ रहे हैं आप, धरती को बनाने से पहले परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया। स्वर्ग बिल्कुल धरती है कि नहीं है? धरती एक जगह पर है, हजारों करोड़ों अरबों ग्रह हैं, उसमें से पृथ्वी एक ग्रह है और उस पे मनुष्य रहते हैं। समझ आ रही है आपको, उस पे इंसान रहते हैं और हम एक दूसरे को देखते हैं, परमेश्वर की क्रिएशन को देखते हैं जो उसने बनाई। इसी तरह परमेश्वर ने स्वर्ग भी बनाया। स्वर्ग कोई ख्वाब या सपना या इमेजिन नहीं है, समझ आ रही है आपको, स्वर्ग रियल है। बोलो स्वर्ग रियल है। और स्वर्ग में भी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि की, वहां पे 24 प्राचीन बैठे, परमेश्वर का सिंहासन है और वो वहां की भी परमेश्वर ने सृष्टि की। लेकिन क्या जैसे करोड़ों ग्रहों के ऊपर एक धरती है जिसपे मनुष्य रहते हैं, इसी तरह स्वर्ग में दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो है। समझ रहे हैं, आपको सब चीजें सब देख नहीं सकते आप एक टाइम पर। अभी आप यहां पर बैठे हो, आप समुद्र की मछलियां नहीं देख सकते, समझ रहे हैं आप। जब वहां पे जाएंगे तो समुद्र को देखेंगे, वहां की मछलियां भी देखेंगे, पर फिर भी उसके जो नीचे जानवर रहते हैं नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। जब तक जैसे एक स्पेस में जब एक रॉकेट लॉन्च होता है तो उसको एग्जैक्ट इस जुपिटर पे जाके रुकना, यहां से भेजते हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है ना, लेकिन वो जब जाता है तो वो एग्जैक्ट उसी जगह पर, वो है जगह जहां पर उन्होंने उस रॉकेट को भेजा है। लेकिन हमें दिखाई नहीं देती बहुत सारी चीजें, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। कितनों को समझ आ रही है? आज जब हम स्वर्ग की बातें करते हैं, स्वर्ग की चीजों, तो बहुत सारे लोगों को लगता है इमेजिन है, इमेजिन नहीं है स्वर्ग। जैसे परमेश्वर ने पृथ्वी क्या लिखा है, स्वर्ग और धरती की सृष्टि की, तो स्वर्ग की भी सृष्टि की। स्वर्ग रियल है, नरक रियल है, पृथ्वी रियल है, लेकिन क्या है, कुछ चीजें विजिबल है, आपको दिखाई देती हैं, और कुछ चीजें आपको दिखाई नहीं देती लेकिन वो है। अभी स्टैंड से पीछे मुझे दिखाई नहीं दे रहा कौन बैठा है, लेकिन बहुत सारे लोग बैठे हैं, समझ आ रही है आपको, बट मुझे यहां से दिखाई नहीं दे रहा। कितनों को समझ, आज आपको ना थोड़ा सा ध्यान से जब आप समझोगे चीजों को तभी आप जाओगे। हालेलुया, हम निकालेंगे मरकुस 9 का, परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया, जीवन के जल की नदी बनाई। हाँ, बहुत सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, स्वर्ग में एक सेना है। क्या लिखा यहाँ पे, परमेश्वर ने स्वर्ग और उसकी सेना को बनाना समाप्त किया। करोड़ों और लिखा लाखों और करोड़ों की गिनती है स्वर्गदूत जो है।
प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर था अपने चेलों के साथ, तो एक जगह पर हम देखते हैं इसका नौ। आप जानते हैं कलीसिया बदल चुकी है, आपको याद है बीते कुछ संडे पहले प्रभु ने बताया था, दिखाया भी था, कलीसिया का जो रूप है वो बदल चुका है। आमीन। उस बदले हुए रूप के कारण ही हम उन चीजों को देख सकते हैं। ओह यस। और अब परमेश्वर चाहता है संसार संसारिकता से हटकर आत्मिक चीजों में बढ़े। आमीन। हम पढ़ेंगे यहाँ पर 9 से 6। छह दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। किसको? पतरस, याकूब और यूहन्ना को। यीशु मसीह शरीर में था उस टाइम। यीशु मसीह पहले भी था या उसी समय आया था? यीशु मसीह था। एक वचन हम पढ़ेंगे अभी, रुको पहले। छह दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहां तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। सबसे पहले हम देखते हैं यीशु का रूप बदल गया, और दूसरी चीज, और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया, वे यीशु के साथ बातें करते थे। कितनों को समझ आ गई? मूसा किस समय हुआ, एलिया किस समय हुआ, लेकिन बाइबल में लिखा उनका रूप बदल गया और क्या है, वो चमकने लगे। आप जानते हैं मूसा और एलिया आज भी विजिट करते हैं, अभी भी मिलने आते हैं, वो आ और जा सकते हैं। मूसा और एलिया यीशु के साथ दिखाई दिए। किनको? चेलों को। समझे? यीशु मसीह का रूप बदल गया और उसके बाद उन्होंने देखा मूसा और एलिया भी वहां पर हैं। उन्होंने देखा उस पर्वत पे यीशु था, यीशु का रूप बदला और उसके बाद यूहन्ना, इनको एलिया और मूसा भी दिखाई दिया। जब हम उस स्तर पे चले जाते हैं, ये एक स्तर है, एक डायमेंशन है, ये स्वर्ग भी और धरती भी, अदन की वाटिका भी, जहां पर वो धनी व्यक्ति, वो भी एक जगह है जहां पर लाजर और इब्राहिम दिखाई दिए, वो भी एक जगह है। समझ आ रही है आपको? ये सारी अलग अलग डायमेंशन है, अलग अलग जगहें हैं। हम इन सब चीजों को देख सकते हैं। एक वचन निकालेंगे हम आज, पहले कुछ चीजों को समझेंगे, समझना पड़ेगा आपको। कुलसियों 3:4। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जब मसीह प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। कितनों को समझ में आ रही है? जैसे यीशु प्रकट हुआ, तुम भी उसके साथ प्रकट किए जाओगे। इफिसियों 1:17-18। पढ़ो। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हाँ,
ये हम डेली प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, मुझे, बोलो मुझे, मुझे अपनी पहचान में अपनी पहचान ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, प्रकाश की आत्मा दे और मेरे मन की आंखें, मेरे मन की आंखें ज्योति में हूँ, कि मैं जान लूँ, मैं जान लूँ कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। मीरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। तो हमें क्या प्रार्थना है, परमेश्वर मेरी आंखों को क्या कर, ज्योति में कर। हालेलुया। असल में हम संसार में इतना खो गए हैं फिजिकल वर्ल्ड में कि वो चीजें हमें लगता नहीं है। आप उसके बारे में पढ़ोगे, ध्यान करोगे, मांगोगे, परमेश्वर खोलेगा चीजों को। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम अनुग्रह से अनुग्रह की ओर बढ़ते जाओ। स्वर्ग में क्या है, परमेश्वर का सिंहासन है, 24 प्राचीन वहां पर बैठ के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, पवित्र पवित्र परमेश्वर के दूत वहां पे बोल रहे हैं। वो ऐसी भरपूरी की जगह है और प्रभु ने वो वहां पर हमारे लिए भी घर तैयार कर रखे हैं। हालेलुया। अब जानते सिर्फ क्या है, शैतान दिखता है, दिखता है हमें, नहीं दिखता, पर वो है कि नहीं है, बोलो। एक व्यक्ति के अंदर से जब वो खेलती है, चीजें बोलती है, तब हमें हाँ भाई इसके अंदर शैतान है, पर दिखता नहीं है, लेकिन वो है। समझ आ रही है आपको, वो है। स्वर्ग में दिख नहीं रहा पर वो है, एंजल समय दिख नहीं रहे पर वो है। आपको उसके लिए रॉकेट पे जाने की जरूरत नहीं है। क्या क्या होगा अभी आप, जब पौलुस दमिश्क को जा रहा था, बाइबल में बताती है कि रास्ते में उसके ऊपर एक ज्योति चमकी। आपको ट्रेवल करके नहीं जाना ऊपर, परमेश्वर ने अब हमें वो ज्योति दे दी है। अभी अपनी आंखें बंद करें सब। क्या दिख रहा है, खोलो, क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं, अंधेरा दिख रहा है, ऐसा ना, अंधेरा दिख रहा अभी आपको, हाँ कि ना, आपको अंधकार दिख रहा अभी, लेकिन ये एक पर्दा है। लेकिन जब आप बार बार अपनी आंखों को बंद करते हैं, धीरे 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 जब आप परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं या प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषाओं में प्रेयर कर रहे हैं, एकदम से आपकी आपको कुछ दिखना शुरू होता है, आपको एक रोशनी दिखनी शुरू होती है। परमेश्वर उन चीजों को देखने के लिए सबसे पहले जो है, जो ब्रिज है वो है लाइट। हाँ, इसीलिए प्रभु ने क्या बोला, सबसे पहले उजाला हो। जब पौलुस के ऊपर जब यीशु मसीह प्रकट हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ, बाइबल में बताती है रोशनी हुई, एक लाइट उसके ऊपर चमकी। उसने कहा हे शाउल तू मुझे क्यों सताता है। यहां पर क्या हुआ, यीशु मसीह का वस्त्र जो था इतना उजला, इतनी रोशनी थी वहां पर, और जैसे ही उनकी आंखें खुली, एक पर्दा है हमारे और स्वर्गीय चीजों के बीच में, एक पर्दा है फिर और कुछ नहीं। धीरे 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 आप बार बार जब प्रेयर करते हो, इतना आप प्रेयर करते हो, चीजें घूमती है, भले आप कभी अंधेरा कभी ऐसे ऐसे घूमती रहती चीजें, फिर एकदम से आता है लाइट आनी शुरू होती है, आपको लगता है कुछ खुला, कुछ दिख रहा है,
कुछ दिख रहा है, फिर वो जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है, लेकिन आप लगे रहते हो प्रार्थना में। फिर एक टाइम आता है जब आप सीधे आपकी स्पिरिट हेवन में, सीधे आपकी चीजें आप देखना शुरू करते हो। फिर आपके लिए कोई चीज आप डेली हेवन में विजिट कर सकते हो, डेली। इसके लिए रॉकेट में जाने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ एक पर्दा है हमारे शरीर और हमारी आत्मा के बीच में। अगर हमने पुराना नियम पढ़ा हो, जब हम उसका एक वे है, एक रास्ता है, बाइबल में क्या लिखा है, धन्यवाद करना, धन्यवाद करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करो, उसके बाद प्रभु की स्तुति करते हुए उसके आंगनों में आओ, उसके बाद परमेश्वर की आराधना करते हुए उसके महापवित्र स्थान में एंटर करो। ये पुराने नियम में अगर हम देखें तो वो अलग अलग स्तर है। जब आप परमेश्वर की धन्यवादी व्यक्ति होते हो, जब आप परमेश्वर की स्तुति 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 आराधना करते हो, आप टंग में प्रे कर रहे हो, एकदम से वो पर्दा हट जाता है। हालेलुया।